हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको HSSC मेन ऑफिस में जो बच्चे TGT 7471 वैकेंसी के लिए चेयरमैन सर से बात करने गए, उनकी चेयरमैन सर से क्या बात हुई, उन्होंने कौन कौन से मुद्दे वहां पे रखे और उनका उन्हें क्या रिप्लाई मिला, क्या वो लोग आश्वस्त होके वापस पहुंचे, इस बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 सितंबर को सब बच्चे इकट्ठे मिलके HSSC मेन ऑफिस चेयरमैन सर से बात करने गए। पहले तो उनके फ़ोन बाहर रखवा लिए गए, उसके बाद बच्चों ने अब एक एक करके अपने पॉइंट्स रखे जिनका उन्हें बहुत ही आश्वस्त जवाब मिला। सबसे पहले बच्चों ने ये पॉइंट रखा कि CET के लिए आपने रातों रात हियरिंग बुलाकर कोर्ट से परमिशन लेकर CET का पेपर अगले ही दिन कंडक्ट करवा लिया, तो TGT के रिज़ल्ट के लिए आप लोग हियरिंग इतनी लेट क्यों करवा रहे हैं। तो इस पर HSSC चेयरमैन सर ने रिप्लाई किया कि वो लोग प्राइवेट वकील करने के लिए भी तैयार हैं और वो लोग केस की हियरिंग को जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। उन्हें भी लग रहा है कि 19 अक्टूबर बहुत लेट है, तो इसलिए वो अपनी तरफ से उन्होंने याचिका भी दर्ज कर दी है कि ये हियरिंग पहले हो जाए। पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर हियरिंग 19 अक्टूबर को भी होती है तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये लास्ट हियरिंग हो और इसमें सब डिसीजन लिए जाएँ और केस रफा दफा हो जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने अग्रवाल भवन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के लिए 14 लाख रुपए का खर्चा किया ताकि यह वाली भर्ती प्रक्रिया समय अनुसार कंप्लीट हो जाए। उनकी तरफ से कोई देरी नहीं है, वो लोग अपना रिज़ल्ट भी तैयार करके बैठे हैं और सोशियो इकोनॉमिक के नंबरों के लिए भी जो उन लोगों ने कार्यवाही करनी है वो लोग अपना काम कर रहे हैं। रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है, बस कोर्ट के फैसले के लिए रुके हुए हैं। तो बच्चों ने कहा कि आपने कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं है, उन्होंने कुछ पेज दिखाया बच्चों ने कि देखिए इसमें है कि कोर्ट की तरफ से रिज़ल्ट के लिए स्टे नहीं है, आपकी वजह से देरी है। तो चेयरमैन सर ने इस बात को नकारते हुए कहा कि नहीं, हम लोग कोर्ट के फैसले की वजह से ही रुके हुए हैं, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। और इस बात पर आश्वस्त किया कि हम लोग भर्ती प्रक्रिया को समय अनुसार कंप्लीट करना चाह रहे हैं। फिर बच्चों ने कहा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स जिन पे कोई